हूँ बहुत ही। आज हम जाने वाले हैं माखणियों पर्वत, जो कि एक अनएक्सप्लोर्ड एंड अनटच्ड ट्रैकिंग प्लेस है। एंड मैं ट्रैवल कर रहा हूँ विद ट्रैवलिंग आई साइट मेहुल, सो देर आर लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर इन दिस ट्रिप, सो प्लीज स्टे विथ मी टिल द एंड। गाइस, मेरे साथ है आज ट्रैवलिंग आई साइट मिस्टर मेहुल सोलंकी। बहुत ही अच्छा यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं पूरा डिटेल में। सो ये मेहुल सोलंकी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अहमदाबाद से हूँ और जयेश बरोड़ा से। तो मैं अहमदाबाद से आया था बरोड़ा, इन्हें मिला और हम साथ में आए हैं यहाँ पे माखणियों पर्वत। तो मैं फर्स्ट टाइम ही इन्हें मिला हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम में ही हम इतने अच्छे फ्रेंड बन गए हैं और इनके साथ घूमने में मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। और हम आए हैं माखणियों पर्वत, जैसे कि आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। अब हम जा रहे हैं माखणियों पर्वत, तो आपको भी चलो साथ में ले चलते हैं। तो चलिए माखणियों पर्वत चलते हैं एंड ट्राई करेंगे कि आपको सब कुछ दिखा पाए अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सो माखणियों पर्वत इज लोकेटेड नियर सुखी डैम नियर जांबुकोड़ा एंड इसके जो पत्थर है वो वाइटी से, इसलिए मुझे लग रहा है कि इसका नाम माखणियों रखा गया होगा। ये भी जितना भी जंगल है, यहाँ के गांव वाले इसको हिडम्बा वंश से पहचानते हैं, जिसका उल्लेख महाभारत में है। तो ऑब्वियसली पांडवास यहाँ आए होंगे। यहाँ टॉप तो है, स्लोप जो है बहुत ही हाई है, लेकिन मजा भी बहुत आ रहा है। क्लाइंबिंग ऑन माखणियों इज लिटल टॉप, तो हमेशा पानी एंड हल्का फुल्का नाश्ता साथ में लेके ट्रैकिंग करना सही रहेगा। और हमने भी वैसे ही किया ताकि हम थक ना जाए और डिहाइड्रेट ना हो जाए। सो हम अब तक आधा पहाड़ चढ़ चुके हैं, बहुत ही टफ रहा है और आधा चढ़ना बाकी। पूरा पत्थर वाली ही जगह है, यहाँ कुछ भी स्टेप कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ट्रैकिंग करके जाना है। और बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मेरे मैं तो थक चुका हूँ बहुत ही, क्योंकि काफ़ी समय के बाद ऐसा ट्रैकिंग किया है। गाइज, मेरा ऐसा मानना है कि ट्रैकिंग तो करना ही चाहिए। जैसे हम लोग शहर में रहते हैं और ऐसा कुछ भी एडवेंचर नहीं करते हो, तो बाई वीकली या मंथली आप एक बार मतलब आपके नियर बाय जो भी जगह है वहाँ जा सकते हो और ऐसे ट्रैकिंग कर सकते हो। चित्ता ना लेवाना ना मारे, चित्तो कितनी स्पीड में चाले। टफ लग रहा है बट
मेहुल से मोटिवेशन मिलता रहता है। लोग हिमालय तक पहुंच गए, तो माखणिया है, पहुंच जाएंगे। चलिए, हमारी स्किन काली हो जाएगी आज तो। काले हुए तो क्या हुआ दिन वाले। फाइनली वी रीच एट आवर डेस्टिनेशन। सो गाइज, मेरे कैमरे की बैटरी डाई हो गई थी तो मैंने चार्जिंग में रख दिया है। आई एम शूटिंग इन 4K, सो इट्स कंज्यूम मोर बैटरी देन 1080p। सो आई थिंक आई नीड टू गेट एडिशनल बैटरी। माखनिया के ऊपर ये छोटा सा लेक माखनिया को बहुत ही ब्यूटीफुल बना देता है और इसके पानी की ठंडक से हमारे ट्रैकिंग की थकान दूर हो गई। आई कैन से सच अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल प्लेस। ओवरऑल माखनिया एक बहुत ही अच्छा नेचुरल प्लेस है। अगर आप मेरे जैसे नेचुरल प्लेस एक्सप्लोरर हो तो आपको ये प्लेस बहुत ही पसंद आएगा। एक बात जरूर याद रखना, ये टोटली अनएक्सप्लोर अनटच जगह है। यहाँ पे अभी के तो लिए कोई गंदगी है ही नहीं, लेकिन अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर कि कोई गंदगी मत करना। अगर आपके पास कुछ भी लाते हो, आप खाने पीने के लिए वाटर बॉटल है, तो आप वापस साथ में लेके जाना प्लीज़। हमें लगता है कि सभी प्लेस कवर कर लिए हैं, फिर भी यहाँ अभी कुछ ऐसा मंदिर या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जितने भी लाइक हमको बताए गए कि आगे थोड़ा साफ हुआ है या ऊपर थोड़ा लेक है, छोटा सा मंदिर है, वो सब कवर कर लिया है।